السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبي سنة عيدك فرمایا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر یعنی अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी हनफी अल फारूक दाता बिन बश रहमतुल्लाह कशफुल महजूब में फरमाते हैं, कलाम यानी बोलना दो तरह का होता है, एक कलाम हक यानी अच्छी गुफ्तगू और दूसरा कलाम बातिल यानी गलत और बेकार गुफ्तगू। इसी तरह खामोशी भी दो तरह की होती है, एक बामकसद खामोशी मसलन फिक्र आखिरत या शरी अहकाम पर गौर व बोझ वगैरह के लिए चुप रहना, दूसरी गफलत भरी या माज़ अल्लाह गंदे तसव्वुरात या दुनिया के बेजा ख्यालात से भरपूर खामोशी। हर शख्स को सुकून यानी खामोशी की हालत में खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि अगर इसका बोलना अच्छा है तो अब बोलना उसकी खामोशी से बेहतर है, पर अगर उसका बोलना गलत या फजूल है तो ऐसे मौका पर उसकी खामोशी उसके बोलने से बेहतर है। हजरत दादा मेरी बख्श अली अजमेरी अली रहमा उर्दू के हम को बातें होने के तरीके समझाने के लिए एक वाक्य बयान करते हुए फरमाते हैं, हजरत अबू बकर शिद्दत हजरत अबू बकर शिद्दती बगदादी तुलाले ने एक मर्तबा बगदाद शरीफ के महले से गुजरते हुए एक शख्स को सुना, वो कह रहा है असुकून तो कहीं भी ना करा यानी खामोशी बोलने से बेहतर है। आप रहमतुल्लाह ने उसे फरमाया, क्योंकि हर सूरत में खामोशी अच्छी नहीं, लिहाजा तेरे ये जुमले बोलने से तेरा खामोश रहना अच्छा है और मेरा बोलना खामोश रहने से बेहतर है। ज्यादा बकबक करने वालों पर शैतान गालिब आ जाता है, क्योंकि जब आदमी ज्यादा बकबकी होता है तो खताओं का इम्कान बढ़ जाता है और हो सकता है कि शैतान उससे गुनाह करवाने में कामयाब हो जाए। अलबत्ता जो खामोश रहने का आदी है वो शैतान पर गलबा यानी बढ़तरी पा लेता है। हजरत अबू सईद खुदी की तबीयत का उन्होंने सिरवायत है, एक आदमी ने मक्की मदीने का अजदार हबीबे पर मदीनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़ी नसीहत फरमाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का तक्वा लाजिम पकड़ लो, ये तमाम भलाइयों की जड़ है, और जिहाद को लाजिम पकड़ लो, ये अहले इस्लाम की रहबानियत यानी कोशिशी है, और जिक्रुल्लाह और तिलावत कुरान पाक की पाबंदी करो कि ये तुम्हारे लिए जमीन में नूर और आसमानों में तुम्हारे तजकिये का बाइस होगा, और कलमे खैर यानी अच्छी बात के सिवा अपनी जबान की हिफाजत करो कि इसके बदौलत तुम शैतान पर गलबा पा जाओगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।